नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जो आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने ब्लॉग के लिए फ्री इमेज कहाँ से डाउनलोड करें, वो भी कॉपीराइट। दोस्तों, जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बैकलिंक हो गया, SEO हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया। तो लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है इमेज। इमेज कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको कैसे यूज करना है और कैसे आप इसको यूज करें जो कॉपीराइट ना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी ब्लॉग की सक्सेस इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एक अच्छा हाई क्वालिटी का जो इमेज होता है वो आपके ब्लॉग का लुक और स्ट्रक्चर बदल सकता है, आपके ब्लॉग का किस्मत बदल सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है अपने ब्लॉग के जो इमेज है उस पर भी आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ब्लॉग बनाते हो तो उसके बाद जब ब्लॉग बनाने के बाद में जब आपको इमेज डाउनलोड करने का इसमें यूज करने का मन करता है तो आप गूगल पे जाते हो, आप लिखते हो, आप वहाँ पे बहुत सारे इमेज का ऑप्शन आ जाता है, आप सेलेक्ट करते हो, आप उसको यूज कर लेते हो। लेकिन इस ये बहुत ही अनइथिकल चीज़ है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ब्लॉग पे कॉपीराइट आने का चांस 100% हो जाएगा, क्योंकि आप उस ब्लॉग को कॉपीराइट इमेज को यूज नहीं कर सकते हो। आपको सीसी इमेज की ज़रूरत होती है, जो सीसी इमेज होता है कॉपीराइट फ्री होता है, उसको आपको यूज करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको आज 5 साइट बताऊंगा, जिस साइट से अगर आप इमेज डाउनलोड करेंगे तो आपको कभी भी जो कॉपीराइट क्लेम है वो नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपको आपके कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा कि किस कॉन्टेंट, अगर आपका ब्लॉग खेल के लिए है या न्यूज़ के लिए है या शायरी के लिए है तो आप कहाँ से इमेज डाउनलोड करेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला साइट जो आप यूज कर सकते हैं इमेज डाउनलोड करने के लिए वो है Unsplash। Unsplash, UNSPLASH। Unsplash, मैं आपको नोटिफिकेशन में उसका डिटेल दे दूंगा। ये एक ऐसा साइट है जो आपके न्यूज ब्लॉग के लिए आपको इमेज प्रोवाइड करता है। अगर आप इसका न्यूज लेटर होता है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आप अपना मनचाहा टॉपिक उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके जो ईमेल है उस पर हर 10 दिन पे 10 से 15 इमेज आपको मेल कर दिया जाएगा। आप और वो जितने भी इमेज होंगे वो कॉपीराइट फ्री होंगे, आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप YouTube वीडियो भी आप उसका बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो Unsplash एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इमेज डाउनलोड करने के लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसमें अगर आप एक ब्लॉग में अगर 4-5 इमेज यूज करना चाहते हैं तो आपको ये कम इमेज प्रोवाइड करता है। जैसे 10 दिन में मैंने आपको बोला है 10 से 15 इमेज ये आपके ईमेल पे भेजता है। तो अगर आप 1-2 पोस्ट अगर डेली का लिखते हैं, 1-2 इमेज का यूज करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका, वो है Flickr। अगर आप Flickr का यूज करते हैं तो आप वहाँ पे लाखों के संख्या में इमेज वहाँ पे डाउनलोड किया अपलोड किया जाता है। जितने भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं Flickr में अपने इमेज को अपलोड करते हैं और वहाँ से अगर आप इमेज यूज करते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप इसका इमेज यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन क्या है ना, इसमें लिमिट नहीं है। आप एक बार में 10, 15, 20, 25, 100, 1000 इमेज तक भी आप एक बार में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे रोज अपलोड होने वाली इमेज की संख्या लाखों में है। तो आप समझ सकते हैं आपको कितना अच्छा ऑप्शन बनना मिलने जा रहा है। तो अगर आप क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स ब्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा ब्लॉग बनाए जो जिसमें आप अर्निंग के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहां से इमेज को यूज कर सकते हैं। तो Flickr जो है मेरे हिसाब से बेस्ट वे है, लेकिन मैं आपको इससे भी एक अच्छा ऑप्शन बताने वाला हूँ जो मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा दोस्तों। तो आप दूसरे नंबर पर Flickr को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने ब्लॉग बनाने के लिए। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों StockSnap। जो StockSnap है आप इसको यूज करके आप अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी का परमिशन का भी जरूरत नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी फोटोग्राफर का इमेज अगर वहाँ पे अगर आपको दिखता है आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको अपने ब्लॉग में अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट नहीं आती है उसमें।
और इसके लिए आपको अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं होती है दोस्तों। तो स्टॉक स्नैप का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इमेज को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्लॉग के लिए। चौथा ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पिक्साबे। जो पिक्साबे होता है वो आपको कैटेगरी वाइज आपको इमेज प्रोवाइड करता है, जैसे हर फोटोग्राफर वहाँ पे एक कैटेगरी बना के रखता है, और अगर आप उस कैटेगरी में जाकर के इमेज डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ पे नहीं करना होता है, और उसकी जो इमेज होती है वो 100% कॉपीराइट फ्री होती है। कॉपीराइट फ्री इन द सेंस कि वो कॉपीराइट फ्री नहीं जो गूगल पे आपको दिखता है, क्योंकि वो गूगल पे जो अपलोड किया होता है वो आप वो भी किसी दूसरे का इमेज को कॉपीराइट फ्री करके वहाँ पे अपलोड किया जाता है, तो कई बार उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप इसमें पिक्साबे में अगर आप यूज करते हैं तो पिक्साबे में आपको कोई भी इस तरह का इशू नहीं आता है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी के इमेज को आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसमें एक टिप्स देना चाहूँगा कि जब आप ब्लॉग में इमेज को यूज करते हैं हमेशा उसमें अल्ट इमेज का नाम जो है उसके प्रॉपर्टीज में जाकर के चेंज करें, और उस इमेज को जब आप अपने ब्लॉग अपने डेस्कटॉप या मोबाइल में सेव करते हैं अपने ब्लॉगर में यूज करने के लिए, तो उसके नाम को अपने डोमेन के नाम के अकॉर्डिंग ही आप उसको सेट करके रखें। जिससे क्या होगा ना, आपका ब्लॉग का SEO है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है दोस्तों। ये हिडन टिप्स है दोस्तों, बहुत कम लोग आपको बताएगा कि जब भी आप ब्लॉग के इमेज को आप यूज करें अपने ब्लॉग में तो उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें उसका जो ब्लॉग का जो टाइटल है वो डाल दें, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। दोस्तों ये हिडन टिप्स मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ दोस्तों, और ब्लॉग के रिलेटेड अगर आप ब्लॉग सीखना चाहते हैं तो भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग मैं बहुत ही सस्ते में और होम बेस्ड तरीके से, जब तक आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक मैं आपको ब्लॉगिंग में हेल्प करता हूँ, और हमारी जो चार्ज है मात्र 500 रुपीज़ की है, जो कि मैं चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग हर घर में स्टार्ट हो, और इस कारण से मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम प्राइस में ब्लॉगिंग आप लोगों को सिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको अपना बेस्ट फोटो डाउनलोड करने का साइट बताने वाला हूँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बिना इसके अगर आप ब्लॉग करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें जो इमेज मिलता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग ही होती है दोस्तों। तो दोस्तों पांचवा जो मेरा ऑप्शन वो है पिक्सल्स। पिक्सल्स जो है वो वेब डिजाइनर के लिए बहुत ही पॉपुलर साइट्स हैं, और जितने भी अच्छे वेब डिजाइनर हैं वो पिक्सल्स का यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें यूज करते हैं तो पिक्सल्स का जो इमेज होते हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग लेवल की होती है दोस्तों। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, एक बार अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो पिक्सल में आप अनलिमिटेड फोटो और आप जो इमेज आप चाहेंगे ना, जो आप देखेंगे गूगल में आपको दिख रहा है कि ये यूज के लिए है, आप पिक्सल में अगर आप ढूंढोगे तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। और एक बार अगर आप इमेज खरीदते हो, खरीद करके अगर आप अपने ब्लॉग में यूज करते हो तो दोस्तों कोई बेनिफिशियल नहीं है। आप इस साइट को परचे मतलब इसका लाइसेंस जो होता है वो बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा, आप उसको परचेज करके, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने पिक्सल्स कैसे फ्री में यूज किया है। बहुत सारे लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, तो अगर आप पिक्सल्स यूज करना चाहते हैं दोस्तों तो ये आपको लाखों में ऑप्शन देता है। जैसे अगर आप क्यूट डॉल के बारे में लिखना चाहते हैं, क्यूट डॉल अगर आप पिक्सल में सर्च करेंगे तो आपके पास इतना सारा ऑप्शन होगा कि आपने जो सोचा होगा उससे भी बेटर पिक्चर आपको वहाँ पर मिल सकती है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है अगर आप फ्री इमेज यूज करना चाहते हैं तो पिक्सल को यूज कीजिए दोस्तों। देखिए ब्लॉग में बहुत सारा चीज़ जो होता है, छोटी छोटी चीज़ जो होती है ब्लॉग को सक्सेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जो इमेज आप पिक्सल्स से यूज करते हैं और जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर उस तरीके से इमेज अगर आप यूज करते हैं डेफिनेटली आपको ब्लॉग में सक्सेस मिलेगा, और आप देखोगे कि आपका ब्लॉग का लुक ही चेंज हो गया दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।